Kids, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss previous year paper of IMO for year 2022. Start karte hain with logic reasoning. First question is, find the missing number if same rule is followed in all the three figures. So, sabse pehle hum kya karenge? Hum find out karenge ki what is the rule in this figure, what is the rule in this figure, because wahi rule yahan par hoga. To start karte hain. Ab pehle aap dekho, agar hum inka multiply kare, 2 5 10, 10 3 30, तो यहाँ पे क्या है सेंटर में 30. सेम वे 2 4 8, 8 4 32, तो यहाँ पर क्या है 32. सेम वे 5 8 40 और 43 120, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑर्डिनल, ईच ऑफ विच हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो हमें बेसिकली वो पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच उतना ही गैप है या उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितना एक्चुअल एबीसीडी में होते हैं. तो नाउ फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, ओ आर के बीच में तो कोई है नहीं, ओ और डी इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है. ओ आई में भी काफी का डिफरेंस होता है तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो अब देखो, जो मुझे सबसे पहला दिख रहा है वो डी एंड ए का. अब ए बी सी डी मीन्स हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, टू. और यहां पर भी आप देखो डी के और ए के बीच में टू अल्फाबेट्स है, आई और एन. तो फर्स्ट पेयर होगा ए एंड डी का. नाउ सेकेंड पेयर देखते हैं. नाउ नेक्स्ट पेयर देखो आई एंड एल का, इसके बाद आई जे के एल. आई और एल के बीच में एक्चुअल अल्फाबेट में भी टू लेटर्स, यहां पर भी टू लेटर्स है, मीन्स नेक्स्ट पेयर हो गया आई एल का. नाउ एन के बाद क्या होता है, एल एम एन. एन और एल के बीच में वन लेटर, यहां पर भी वन लेटर है, मीन्स सेकेंड पेयर क्या हो गया एन, सॉरी नेक्स्ट पेयर क्या हो गया एन एल का, मीन्स 1 2 3, थ्री पेयर पॉसिबल. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. इफ -10 फॉर डिवीजन, +10 फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो सबसे पहले तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं. यहां जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मीन्स क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस. डिवीजन का मींस क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस शुड बी -80. माइनस का क्या हो जाएगा -10 फॉर डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन. और +10 फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो यहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. नाउ बॉडमस लगाएंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा डिवीजन. अब देखो यहां पर इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा 80. -80 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो माइनस क्या हो जाएगा 16 5 80 मल्टीप्लाइड विथ 3. नाउ क्या हो जाएगा 80 -15, और दोनों को हमने जब माइनस किया तो वी गेट 65. विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर हमारा क्या आया, हमारा आंसर आया 65. तो देखते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर. तो नाउ सबसे पहले हमें प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स देखनी है और ये भी देखना है सर्कल्स में. यहाँ सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है. वन इन रेक्टेंगल ओनली, वन इन रेक्टेंगल, सॉरी वन इज कॉमन इन ऑल थ्री शेप्स एंड वन इज कॉमन इन टू शेप्स. ठीक है, तो नाउ अब हम देखते हैं. नाउ देखो, फर्स्ट रेक्टेंगल में कॉमन हो गया, रेक्टेंगल एंड सर्किल में हो गया, और इन तीनों के लिए. तो दिस इज सेम, यहाँ पर रेक्टेंगल में कॉमन हो गया, सर्कल एंड रेक्टेंगल, और ये इन तीनों के लिए, ये भी पॉसिबल है. इस इन दिस केस ये देखो सर्कल पूरा का पूरा ट्रायंगल के अंदर है. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, तो सी जो है वो मैच नहीं कर रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर. तो नाउ अगर हम वन बाई वन देखें तो ये जो ट्रायंगल है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे. इसमें क्या करते हैं, जब वर्टिकली लाइन होती है तो काउंट करते हैं 1 और 2, मीन्स इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 3. वैसे भी देख लो 2 ये हो गए एंड ये बाहर एक्सटर्नल वाला. ठीक है, तो नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 3 फॉर दिस 3 फॉर दिस 3 फॉर दिस 3 फॉर दिस 3 फॉर दिस, सबके सेप सेम है, तो मीन्स 15 तो ये हो गए. नाउ अब देखो, अब इसके बाद अगर हम इस वाले को देखें, ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स तो ये हो गए, एक ये और एक ये, तो प्लस क्या हो गया 2. ठीक, एक ये एक ये, प्लस क्या हो गए 2 ट्रायंगल्स ये हो गए, 1 दिस 1 एंड दिस 1, एक ये एक ये, मींस +2. टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए 21. नाउ ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास 18 17 15 और मोर देन 18, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट.
क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन आउट. तो नाउ यू कैन सी कि 43 इज द प्राइम नंबर और सारे के फैक्टर्स हो सकते हैं. तो ए इज द राइट ऑप्शन. ग्रुप द गिवन फिगर इनटू थ्री क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस. तो हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, और थ्री ग्रुप्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. तो नाउ फर्स्ट देखो आप इन दिस, इन तीनों में ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में सर्कल. फर्स्ट ग्रुप जो हमारा फॉर्म हुआ वो 1, 5 एंड 9 का, ठीक है. नाउ नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, सिक्स आइडेंटिकल पार्ट मींस 2, 4 एंड 8. नाउ नेक्स्ट ग्रुप जो है, जो सिर्फ आउटर है वही उसके इनर में है, मींस 3, 6 एंड 7, ठीक है. ये थ्री ग्रुप हो गए. नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन सी, हमारी यही ग्रुपिंग थी ना, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 3, 6, 7, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टूज आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर. ठीक है, ऑड नंबर के जस्ट उसके बाद ऑड नंबर होना चाहिए. तो देखते हैं, पहले 1 ऑड नंबर है, 2 और कोई नहीं, ठीक है, इवन है. और फिर क्या लिखा है, बाय एन ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, बट उससे जस्ट पहले 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो एक तो ये हो गया हमारा, एक हमारा ये हो गया, means 2, means C is the right option. There is a certain relationship between the terms on the either side of this. This is proportion sign. And identify the relationship on the left pair and find the missing term. Means ki basically इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है और वही रिलेशनशिप दिस साइड होगा, बिकॉज यहाँ क्या है, प्रोपोर्शन साइंस मीन की साइन मीन्स की इक्वल होगा. तो नाउ सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं बी सी डी ई, ठीक है. बी के बाद 3 लेटर का गैप, प्लस 3 हुआ, ठीक है. सेम वे एच को क्या लिखा है, एच आई जे के, एच के बाद भी प्लस 3 किया तो हमें के मिला, ठीक है. सेम वे एन ओ पी क्यू, एन के बाद भी प्लस 3 किया तो हमें क्यू मिला, तो सेम रिलेशनशिप होगा. तो नाउ डी के, अगर हम डी को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, डी ई F G, means की D को हम replace करेंगे by G, और there is single option of G, means की B is the right option. Still हम बाकियों को भी verify कर लेते हैं. J को हम क्या लिखेंगे, J K L M, है ना, तो J को हम क्या लिखेंगे, M. फिर P है, तो P को हम क्या लिखेंगे, P Q R S, plus 3 पर क्या आता है, S. तो D को हम लिखेंगे G, J को हम लिखेंगे M, और P को लिखेंगे S, means की B is the right option. Now next question, a transparent sheet with a pattern and a dotted line on it is given. Select a figure from the option as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. Means ki hum isko kaise fold karenge, this side, iske upar fold karenge, to obviously ye jo opposite hai wo bhi inki direction mein ho jayegi, means sare ke sare isi side ho jayenge, means square wala term, fir circle wala term, fir triangle wala term, theek hai. To aise dekh lete hain kaun sa option hai. तो नाउ यू कैन सी, पहले हमारा है स्क्वायर, देन है हमारा सर्कल, देन है हमारा ट्रायंगल, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. पॉइंटिंग टुवर्ड शिखा वन सेड, वंस इज दैट शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज शिखा रिलेटेड टू वंस. तो इन्होंने क्या बोला, शिखा इज, शी इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर, मीन्स उसके जो ग्रैंड फादर है उनकी जो चाइल्ड है उसकी वो डॉटर है, ठीक है. शिखा यहां पर है और ये ओनली क्या है, ओनली चाइल्ड है, मीन्स की ग्रैंड फादर का सिर्फ एक ही बच्चा है, तो ऑब्वियसली वंस भी क्या होगा, इन्हीं का बच्चा होगा, इन्हीं का चाइल्ड होगा. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, सिस्टर का, ठीक है, क्योंकि ग्रैंड फादर है ये ना, और दोनों के ग्रैंड फादर सेम. चूज अ बॉक्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड व्हेन द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ बॉक्स. अब हमें इसको फोल्ड करना है तो कौन सा बॉक्स बनेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हमें इसके अपोजिट्स देखने होंगे. अपोजिट्स क्या है, तो यहां पर देखो आप, जो ये अपोजिट्स हैं मींस की, हाँ, ये आपका जो सर्कल है, जो शेडेड एंड अनशेडेड सर्कल है, ये हैश के अपोजिट में है, और ये जो ट्रायंगल है ये एट द रेट के अपोजिट में है, और दिस इज अपोजिट, मींस की एट ए टाइम एक चीज ही दिखनी है, ठीक है. तो नाउ अब ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डाइस का क्वेश्चन जरूर आता है. यहां पर देखो, ये दोनों अपोजिट थे और अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है. ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है तो हमें एट द रेट नहीं दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है तो हमें हैश नहीं दिख रहा है, और ये लाइन दिख रही है तो हमें प्लेन वाली नहीं मिलनी, मींस की बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. मींस एट अ टाइम अपोजिट का सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा.
फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. हमें इसकी करेक्ट वाटर इमेज देखनी है. वाटर इमेज जब भी हम देखते हैं मींस कि हम यहां खड़े होते हैं. अब जब यहां खड़े होंगे तो अल्फाबेट जस्ट अपोजिट हो जाएंगे. पहले तो ओ आएगा, जो एम है वो डब्ल्यू बन जाएगा और यहां क्या होगा, आई होगा. ठीक है, अब ये देखो पहले तो ये कहां पर है, तो ये आप देखो ये हमारा ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, आइदर दिस वन और दिस वन. अब हम बाकी चीजें देखते हैं. अब जो ये साइड है ये इसी साइड रहेगा बट ये फ्रंट पे आ जाएगा. ठीक है ना, ये फ्रंट पे है ना, तो पहले यही होगा मींस कि दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, ये इस साइड आ जाएंगे और ये बैक वाले पीछे जाएंगे. ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इनएक्टिव इज कोडेड एज सी एक्स जी वी ए सी एल के, हाउ विल बी ऑपरेटर बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज. तो सबसे पहले तो हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि वॉट इज द रिलेशन बिटवीन दीज, तभी हम ऑपरेटर की फाइंड आउट कर पाएंगे. तो चलो चेक करते हैं. सबसे पहले जो इन्हें इनएक्टिव को लिखा, आई आई को इन्होंने क्या लिखा, इसमें क्या किया गया है कि इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव को हम रिवर्स कर दें. इनएक्टिव को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ई फिर वी फिर आई देन टी देन सी देन ए देन एन देन आई. ठीक है, अब ई को क्या लिखा गया, सी. ई को सी कैसे लिखेंगे, कैसे होता है, सी डी E, means कि हम दो बैक साइड जाएं. ठीक है, मींस माइनस टू हमने किया तो हमें क्या मिला, सी. ठीक है, अब यहां पर V को क्या लिखा है, X. V को लिखा है X, तो कैसे होता है, V के बाद क्या होता है, V के बाद W X. ठीक है, मींस प्लस टू किया तो हमें X मिला. यहां पर क्या हो गया, ठीक है, तो यहां पर लिखती जाती हूं मैं, यहां पर हमने क्या किया माइनस टू, यहां क्या किया प्लस टू. फिर I को क्या लिखा है, G. I को लिखा है G, मींस कि हम रिवर्स गए, जी एच आई मीन्स माइनस टू. ठीक है, सेम जाता जाएगा. अब टी को क्या लिखा है, वी, तो टी के बाद क्या आता है, टी यू वी मीन्स माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू ऑल्टरनेटिवली आ रहा है. ठीक है, तो नाउ अब हम चेंज करते हैं इसको, कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे. जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आर देन ओ देन टी देन ए देन आर then E, then P, then O. पहले वाले में माइनस टू था, मीन्स क्या आता है, P, Q, R. माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, P. मीन्स कि यहां पे आएगा P. तो जब ये P आएगा तो ये तो हमारा खत्म हो गया. ठीक है, नाउ अब जो ऑप्शन बचे हैं O है, O में प्लस टू करना है, O, P, Q. Q आएगा यहां पर, Q आएगा प्लस टू होगा ना, तो अब हमारा ये भी चला गया. ठीक, अब माइनस टू करना है और नेक्स्ट क्या है, टी. टी के लिए माइनस टू करो तो कैसे होगा, आर एस टी. टी से माइनस टू मींस आर आता है, तो टी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, आर से. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो सी इज द राइट ऑप्शन. बाकी को भी आप ऐसे ही चेक कर लो. मैं वैल्यू लिख देती हूं, ए है, ए के बाद प्लस टू अगर है तो ए बी सी. आर से पहले क्या आएगा, माइनस टू करेंगे तो यहां क्या आएगा, पी. ई के बाद एफ जी, यहां पर क्या होगा, जी होगा. ठीक है, प्लस टू. अब पी में माइनस टू करना है तो यहां क्या आएगा, एन. ओ में प्लस टू करना है तो ओ पी क्यू, यहां पर क्या आएगा, क्यू. तो दिस इज द राइट ऑप्शन सी. पहले रिवर्स करना है, फिर माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष वॉक 10 मीटर टूवर्ड साउथ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, then he walked 3 meter towards west, how far and in which direction is he now with respect to his starting point. तो हमें बेसिकली बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है. तो सबसे पहले तो हमें क्या बनानी होगी, इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मनीष वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड साउथ, मीन्स क्या, 10 मीटर. ठीक है, दिस इज 10 मीटर. ठीक है, देन फिर क्या लिखा है, फ्रॉम देयर, ये डायरेक्शन, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मींस यहां से वो 6 मीटर जाता है, मींस यहां पर ये हो गया 6 मीटर. ठीक है, ये 6 मीटर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 4 मीटर. डन. नाउ देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मींस कि नाउ इधर आता है, ये कितनी डिस्टेंस है, 3 मीटर. ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो सबसे पहले हमें तो ये डायरेक्शन देखनी होगी, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और ये है, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो नाउ यू कैन सी दिस इज राइट एंगल, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 16 प्लस 9
इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, मींस कि दिस डिस्टेंस इज 5. नाउ इन्होंने क्या पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज नाउ विद द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और वो यहां पर है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट. मीन्स कि सी इज द राइट ऑप्शन, 5 मीटर साउथ वेस्ट सी इज द राइट ऑप्शन. 25% ऑफ 50% ऑफ 100, तो इसको हम करते जाते हैं साथ के साथ. अगर इसको सॉल्व करोगे आप, 25% को हम क्या लिखते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, देन 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100% मींस 100 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, नाउ 25 ऑफ 100 मींस 25 इनटू 100, फिर लिखा है इनटू 50% मींस 50 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 100. ठीक है, 50% ऑफ 100 मींस मल्टीप्लाइड विथ 100, डन हो गया. नाउ अब अगर हमें कैंसिल आउट करें तो सबसे पहले तो ये देखो, ये दोनों सेम सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, दिस 25 दिस 25 को कैंसिल आउट करेगा, दिस 100 दिस 100 को कैंसिल आउट करेगा. नाउ अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, ऊपर के देखो यहां पर न्यूमरेटर सारे ही कैंसिल हो गए, मीन सबकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां हो गया 1. यहां से हमें क्या मिल रहा है, दिस 100 दिस 100 100 इंटू 100 इंटू 100. ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज 1 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 0. अब डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, आंसर दे रखे तो परसेंट में आंसर दे रखे हैं, तो इसमें हम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय और 100 कर दोगे आप. ठीक है, तो 100 करोगे तो ये 0 0 कैंसिल. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, 1 by 1 1 2 3 4 0s, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 10 को तुम रिप्लेस करेंगे बाय पॉइंट, रिमेनिंग कितने जीरो बचे, 3, दिस 1 पॉजिटिव. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, सबसे पहले मैंने ये पोर्शन किया, देन ये किया, देन ये किया और लास्ट में ये किया. ठीक है, इन द फॉलोइंग, इन द फिगर ए डी एफ एंड बी ई एफ आर ट्रायंगल. सबसे पहले क्या है, ए डी एफ, ए डी एफ कहां पर है, दिस वन, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस वन. और दूसरा कौन सा है, बी ई एफ मींस की दिस वन. ठीक है, आर ट्रायंगल्स एंड EC is equal to ED. EC is equal to ED. EC कहाँ है हमारा? EC means this one and this one is equal. ठीक है? Find the value of Y. Y की value find out करनी है तो करते हैं. तो सबसे पहले जब इस triangle के दो opposite sides equal हैं, तो obviously these angles will be equal. ये 28 है, तो ये भी क्या होगा? 28 degree. ठीक है? This angle and this angle, these are vertically opposite. जब ये vertically opposite है, तो ये भी equal होंगे. Means this is also 28 degree. ये भी हो जाएगा 28 डिग्री का, ये 28 ये 60 डिग्री. तो हमें यहां वाला एंगल पता चल जाएगा ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के समेशन के इक्वल होता है. तो एंगल वाई वाई विल बी इक्वल टू 62 डिग्री प्लस 28 डिग्री. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा इस छोटे वाले ट्रायंगल को, कंडीशन थी कि EC इज इक्वल टू ED है. इफ एनी ट्रायंगल बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स भी क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे. तो ये इक्वल मिल गया. नाउ अब हमारा क्या हुआ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली इक्वल. जब ये वर्टिकली इक्वल है तो ये 28 है, तो ये भी 28 होगा. नाउ ये जो एंगल वाई है, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ए बी सी ट्रायंगल. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल के समीशन के इक्वल होता है. तो क्या हो जाएगा, 62 को हमने 28 के साथ ऐड किया तो वी गेट 90 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर ब्रैकेट 21 पावर 17 इंटू 18 पावर इज 21 इंटू 128 एंड 6 की पावर 7 इंटू 28 की पावर 4. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम इसे कोशिश करेंगे ब्रेक करने की. तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 कैन बी रिटेन एज 7 इंटू 3 और 3 इंटू 7. तो 21 की पावर जो 17 दे रखी है वो क्या हो जाएगी, 7 की पावर 17 और 3 की पावर 17. ठीक, मीन्स फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, 21 कैन बी रिटेन एज 7 इंटू 3 होल पावर 17, डन. नाउ सेम वे 18 कैन बी रिटेन एज 6 इंटू 3 पावर इज 21, करेक्ट. नाउ 128 को अगर 2 की पावर्स में लिखें
तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 क्या होता है 32, एंड 32 × 2 क्या होता है 64, एंड 64 × 2 क्या होता है 128. तो हाउ मेनी टूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मींस 128 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 7. ठीक है, ये तो हो गया दिस पोर्शन. नाउ अब देखो यहाँ 6 की रिक्वायरमेंट है, ऊपर 6 का टर्म है तो हम नीचे 6 को रहने देते हैं. अभी 6 raised to power 7 मल्टीप्लाइड विथ 28 कैन बी रिटन एज 7 × 4 whole power 4. ठीक है, नाउ अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करें फर्दर, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 7 power 17 × 3 power 17 × 6 power 21 × 3 power 21 × 2 की power 7. ठीक है, नाउ यहाँ क्या हो जाएगा 6 की power 7 × 7 की power 4. नाउ 4 को हम लिख सकते हैं 4 की power 4 होगा ना यहाँ पर, बट 4 कैन बी रिटेन एज 2 raised to power 2 एंड होल की पावर 4. तो जब होल की पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस कि 2 मल्टीप्लाइड विद 4 हो जाएगा, मींस 4 raised to power 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 8. करेक्ट, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं. नाउ अब जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो दिस इज 7, तो क्या होगी नेक्स्ट लाइन 2 की पावर, जब डिवीजन में तो होता है तो क्या होता है माइनस ना, तो 7 की पावर 17 और 7 की पावर 4 मींस 7 की पावर 17 - 4 = 13 ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 13. किसको सॉल्व कर लिया हमने, 7 को. नाउ अब हम 6 को देखते हैं, 6 की पावर 7 और 6 की पावर 21 से 7 माइनस हो जाएगा, तो मींस इट कैन बी रिटन एज 6 की पावर 14. 6 भी हमने सॉल्व कर लिया. नाउ 3 को देखते हैं, 3 के केस में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सब न्यूमरेटर में, तो मींस ऐड हो जाएगा 3 की पावर 17 और 3 की पावर 21, तो 17 + 21 क्या हो जाता है 38, मींस मल्टीप्लाइड विद 3 की पावर 38. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है 2 की पावर 7 और नीचे क्या है 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 7 और 8 है, तो मींस 2 की पावर 7 - 8 क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 2 की पावर -1 और वी कैन से 1/2, तो हम इसको 1/2 ही रहने देते हैं, मींस मल्टीप्लाइड विथ 1/2. अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं तो मैं इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने लिख ही लिया होगा. नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं. अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है. अब 7 की पावर 13 तो आई थिंक सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब में है, तो क्या होगा ऑप्शन कोई भी हो सकता है. नाउ अब 3 की पावर और 6 की पावर मैच नहीं कर रही है, तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 7 की पावर 13 तो रहेगा ही. ठीक है, नाउ 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, तो जो 6 की पावर होगी वही इनकी पावर्स भी होगी, मींस 2 raised to power 14 × 3 raised to power 14 × 3 raised to power 38 एंड डिवाइड बाई 2 raised to power 1. तो फर्दर सॉल्व किया तो 7 की पावर 13 सेम, 2 की पावर यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, तो एक माइनस हो जाएगा 2 की पावर 13. ठीक है, नाउ 3 की पावर 14 और 38 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 की पावर 52. नाउ फाइंड द ऑप्शन, इज देयर एनी ऑप्शन, तो डी को ऑब्जर्व करो, 2 की पावर 13 × 3 की पावर 52 एंड 7 की पावर 13, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. तो क्या करना है, पहले हमें उसे ब्रेक करना है, देन हमें कट करना है, और अगर डिवीजन में होता है तो पावर माइनस होती है, मल्टीप्लीकेशन में होता है तो पावर प्लस होती है, तब नहीं, बस ये याद रखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल रिप्लेस एक्स इन द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन. अब हमें यहाँ पे बताना है कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो बेसिकली दिस डिवीजन प्लस दिस डिवीजन इज इक्वल टू -1, तो हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ये तो हमारे पास है, तो अगर हम 68 को डिवाइड करें बाई -17, तो 17 × 4 जा क्या होता है 68, मींस वी गेट -4. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -91 / x. अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमने इसको सॉल्व कर लिया तो दिस बिकम्स -4, बिकॉज हमने इसका सोल्यूशन ये बताया ना इज इक्वल टू -11. नाउ इसको हम इस साइड लेके जाएं तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मींस वी कैन राइट -91 /
एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. माइनस 7 बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, ठीक है. एंड वी रिटेन इज माइनस 91 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है ना, यहाँ मान लो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड. अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 91 इज इक्वल टू 7x. तो x विल बी इक्वल टू 91 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है. 7 1 7 और 7 3 21 मीन्स आंसर विल बी 13. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. डी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10. इफ 10th डिजिट इज 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट देन फाइंड द नंबर. लेट नंबर आपका क्या है, एक्स वाई, ठीक है. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बिकॉज क्लियरली मेंशन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10. मीन्स कि 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट का जब समेशन करेंगे तो वी गेट 10. इफ 10th डिजिट इज 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट. तो उन्होंने क्या बोला कि जो 10th डिजिट है मींस कि x है दैट इज इक्वल टू 1 मोर देन द 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट नंबर. मींस कि पहले हम 2 टाइम्स लेंगे मींस 2y, देन उसमें हम क्या करेंगे प्लस 1, ठीक है. दिस इज द वैल्यू. तो नाउ वी पुट x वैल्यू, ये x की जो वैल्यू है दिस वन, इसको हम कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में. तो नाउ x इज रिप्लेस्ड बाई 2y प्लस 1, ठीक है. और y जो पहले का था इज इक्वल टू 10, ठीक है. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस y क्या हो जाएगा, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 1 को अपोजिट साइड ले गए तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है. नाउ 3y इज इक्वल टू 9 means y will be equal to 9 divided by 3. We all know 3 threes are 9. Means y is equal to 3. ठीक. Now what is the question? Then find the number. ठीक है. y की value हमें मिल गई. Now x की value. x will be equal to 2 into 3 because y की value हमने 3 calculate की plus 1. ठीक है. मैंने value put कर दी इस equation में. तो x will be equal to 6 plus 1 is equal to 7. So now what is the number? X की place पे 7, y की place पे 3 means 73. B is the right option. In the given figure not drawn to scale, ABCD is a rectangle in which CE intersect AB at point E. Means this line intersect. ठीक है? At point E and ADFA, 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 ठीक है, this one is a semicircle whose diameter is AD. What is the area of the unshaded region of the given figure? तो basically हमें area बताना है, unshaded का means इसका. तो इसका हम area calculate करेंगे semicircle का, then we find the area of this triangle, then दोनों को हम add करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम करते हैं semicircle का. Semicircle है और this is the dia. AD is the dia. डाया है और ये एक रेक्टेंगल है. मींस दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. मींस डाया क्या होगा, 7 मीटर, जैसा क्वेश्चन में गिवन है. तो नाउ इफ डायामीटर इज 7 m, मींस कि 2r इज इक्वल टू 7, देन हाउ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r विल बी इक्वल टू 7/2 और वी कैन से 3.5. एरिया ऑफ सर्कल होता है, नाउ दिस इज हाफ सर्कल, सेमी सर्कल. तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2. एरिया ऑफ दिस ए डी एफ ए, दिस इज द एरिया ऑफ ए डी एफ ए. नाउ वैल्यू पुट करो, वी ऑल नो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 इन टू आर स्क्वायर है. तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ सो देट की थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए. 7/2 इन टू 7/2 एंड यहाँ जो 2 है वो तो रहेगा ही 1/2, ठीक है. नाउ सॉल्व करते हैं, दिस 7 से दिस 7 कैंसिल, दिस 2 से ये हो जाएगा 11, ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारी, 11 इंटू 7 क्या होगा, 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या होगा, 4. नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 से 77 को डिवाइड करते हैं, 4 1 4, ठीक है. माइनस किया, क्या आएगा, 3 7 37,
फोर नाइन ज़ा 36, हाउ मच रिमाइंडर 1, यहाँ 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो यहाँ पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। 2 ज़ा 8, माइनस किया तो 2 एंड 2 के आगे 0 बढ़ाया तो यहाँ तो पहले लिख दूँ 2, एंड 4 5 ज़ा 20, मीन्स वॉट टू 19.25, ठीक है। ये किसका एरिया निकाला, हमने सेमी सर्कल का, तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं। नाउ अब हमें किसका निकालना है, इस ट्रायंगल का, दिस इज अनशेडेड। ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सी बी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस लेते हैं दिस वन, मीन्स बी ई एंड दिस वन, इनटू क्या हो जाएगा बी सी। नाउ पुट द वैल्यूज 1/2 बी ई, वट इज द वैल्यू ऑफ बी ई। नाउ ये देखो, दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 17, यहाँ इंटरसेक्ट किया दिस इज 5, वट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन, ये क्या होगा 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। अगेन देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस डिस्टेंस इज गिवन 5 मीटर, और ये दे रखी है 17, तो 17 माइनस 5 वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू ये क्या है 7, 2 से 2 6 जा 12, नाउ 6 इंटू 7 क्या होगा 42, दिस इज 42 मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया हो गया दिस ट्रायंगल का। नाउ टोटल एरिया 42 प्लस 19.25। नाउ अगर आप देखो तो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिल जा रहा है बिकॉज देयर इज सिंगल ऑप्शन विथ 0.25 दैट इज सी, तो सी विल बी द राइट आंसर। स्टिल हम वेरीफाई कर लेते हैं, जब ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा 5 2, 9 प्लस 2 11 की 1 पावर आई 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, मीन्स कि 61.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी इज द राइट ऑप्शन। If two supplementary angles are in the ratio of 4:5, then find the difference between the angles. Supplementary angles का means होता है summation of two angles. If summation of two angles is 180 degree, then these angles are supplementary angles of each other. तो now let की एक variable लेते हैं x. Now according to this ratio is 4:5 means क्या हो जाएगा 4x + 5x. 4 वाले को हमने कहा एंगल है 4x, 5 वाले को बोला 5x, एंड समीशन ऑफ बोथ एंगल्स इन 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ x विल बी 4 प्लस 5 क्या होता है 9, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। नाउ फाइंड द डिफरेंस, एक तो ये तरीका है, 20 डिग्री मिल गया ना, तो आप क्या करो सीधे 5x एक एंगल था माइनस दूसरा एंगल 4x था इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो गया 20 डिग्री, आपको ये डिफरेंस मिल गया, दिस इज द आंसर। आइदर आप वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू अगर हम 4x में रखें तो व्हाट इज द वैल्यू 80 डिग्री, ठीक है। अगर हम 5x में रखें तो वो क्या हो जाएगा 100 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 20 डिग्री, ठीक है। 100 माइनस 80 इज 20 डिग्री, तो आप चाहे वैल्यू पुट करके करो या सिर्फ ऐसे करो, यू गेट द आंसर, D is the right option. Sum of three rational numbers is 17/18. If two of them is -7/8 and 5/12, then find the third rational number. According to the question, x plus 5/12 plus -7/8 is equal to क्या है 17/48, ठीक है। तो now what is the value of x? X will be equal to summation of total number, ठीक है। 5/12 को उस साइड लेके जाएंगे तो -5/12, -7/8 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो +7/8। नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम होगा क्लियरली दिख रहा है 48, यहाँ क्या आएगा 17 माइनस 12, 12 4 जा 48 एंड 4 2 5 जा 20, ठीक है, प्लस 8 6 जा 48 एंड 6 7 जा 42। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 42 से माइनस 20 किया वी गेट 22, 22 प्लस 17 क्या हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 48। नाउ बट ऑप्शन तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 मीन्स 13, 3 वन ज़ा 3 बचा क्या 1 और 1 और 8 3 6 ज़ा 18 मीन्स 13/16, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ
टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फाइव ए बी प्लस नाइन वेन ए इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल टू माइनस टू। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना है, वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। तो टू ए स्क्वायर मीन्स टू इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मीन्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फाइव ए मीन्स फाइव इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस थ्री एंड बी की वैल्यू क्या है माइनस टू मीन्स माइनस टू ठीक है प्लस नाइन प्लस नाइन। फर्दर सॉल्व करते हैं तो नाउ टू इंटू थ्री का स्क्वायर है मीन्स माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा प्लस नाइन प्लस माइनस टू का स्क्वायर है मीन्स दिस विल बी फोर प्लस यहाँ क्या है फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएंगे प्लस मीन्स थर्टी इधर क्या हो जाएगा प्लस नाइन। नाउ इसको सॉल्व करते हैं अगर तो टू नाइन ज़ा एटीन एटीन प्लस क्या होगा फोर थर्टी मीन्स कि थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस नाइन क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री। नाउ ऐड करो थ्री प्लस एट इलेवन की वन पावर आई वन फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्सटी वन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इज द एवरेज वेट ऑफ टेन स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन इज थर्टी सिक्स के जी इफ द एवरेज वेट ऑफ एट ऑफ देम इज थर्टी फोर के जी देन फाइंड द सम ऑफ वेट ऑफ रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है करते हैं, एवरेज वेट थर्टी सिक्स तो एवरेज वेट इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय काउंट, काउंट कितना है 10 स्टूडेंट्स है तो नाउ इस फॉर्मूले से टोटल वेट क्या हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स का, टोटल वेट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 इज इक्वल टू 360 केजी। ठीक है क्वेश्चन में गिवेन है इफ द एवरेज वेट ऑफ एट स्टूडेंट, यहां से हमें क्या फाइंड आउट हो गया टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 360 केजी। ठीक है नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से इफ द एवरेज वेट ऑफ 8 ऑफ देम इज 34 मीन्स कि नाउ वैल्यू इज यहां पर क्या हो जाएगी एवरेज वेट इज 34 एंड ये कितने लोगों का है ये 8 स्टूडेंट्स का है 8 तो नाउ टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज वेट मल्टीप्लाइड विथ 8 इज इक्वल टू 8 फोर ज़ा 32 की 2 पावर आई 3 8 थ्री ज़ा 24 24 प्लस 3 क्या हो जाएगा 27 केजी। ठीक है नाउ क्या पूछा देन फाइंड द सम ऑफ वेट ऑफ रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स तो 10 में से अगर हम 8 के वेट को माइनस कर दें 360 माइनस 272 माइनस किया जीरो से टू जाएगा नहीं बोरो करेगा तो इट बिकम्स टेन टेन से टू गया एट। अब इसने बोरो दी थी तो ये खुद क्या बचा फाइव फाइव से सेवन जाएगा नहीं तो ये बोरो करेगा इट बिकम्स फिफ्टीन फिफ्टीन से सेवन माइनस किया तो एट टू से टू जीरो मीन्स व्हाट इज द वेट ऑफ रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स दैट इज 88 केजी ए इज द राइट ऑप्शन। 26 फाइंड द सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरसेक्ट तो इंटरसेक्ट काउंट करते हैं सबसे पहला वन यहाँ टू यहाँ थ्री यहाँ फोर ये फाइव ये सिक्स टोटल कितने हो गए सिक्स मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन फिगर फ्रंट व्यू बताना है एंड फ्रंट मेंशन है इधर है मगर मीन्स कि अगर हम इधर से देखेंगे तो व्यू कैसा होगा थ्री ब्लॉक्स ये दिखेंगे थ्री ये दिखेंगे टू ये दिखेंगे मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 इफ 3/7 ऑफ अ नंबर इज 33.75 मीन्स कि किसी नंबर का 3/7 जो है वो है 33.75 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/7 ऑफ दैट नंबर तो सबसे पहले तो हम नंबर फाइंड आउट करें लेट नंबर इज एक्स तो एक्स इंटू 3/7 इज इक्वल टू है 33.75 तो एक्स मीन्स कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 33.75 इंटू 7/3 ठीक है अपोजिट में क्या जाएगा
रिवर्स हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो यहाँ कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैं उससे इजी तरीका, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। द वैल्यू ऑफ 5/7 ऑफ द नंबर, तो क्या हो जाएगा, 5/7 ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 33.75 मल्टीप्लाइड विथ 7/3 इंटू 5/7, यही होगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 3 की टेबल से 3 1 3 3 1 3, 3 2 6 बचा क्या 1 और 3 5 15। ठीक है, नाउ अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मींस कि हमें क्या करना है, 11.25 मल्टीप्लाइड विथ 5 5 5 5 25 की 5 पावर i 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 क्या होगा 12 की 2 पावर i 1, 5 1 5 और 5 प्लस 1 क्या होगा 6, 5 1 5, डेसिमल 2 प्लेस के पहले है तो 2 प्लेस के पहले, 56.25 मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इंटीजर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ यहाँ देखो -43 है और इधर 18 है, मीन्स कि दिस इज रॉन्ग, ये इंक्रीजिंग है, जितना बड़ा माइनस उतना छोटा नंबर, तो ये भी गलत हो गया। नाउ इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 18 है, करेक्ट, 6 है करेक्ट, 0 है करेक्ट। नाउ यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में -12 है और -43 है। ठीक है, तो -43 हमारा क्या होता है, मोर निगेटिव, मोर निगेटिव मीन्स छोटा नंबर, -12 इन कंपेरिजन टू -43 लेस निगेटिव होगा। ठीक है, लेस निगेटिव होगा, तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा -43 से, तो मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन, -12 देन -37 देन -43। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव नंबर देन 0 देन माइनस नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा माइनस नंबर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिवाइजेबल बाई 8। तो 8 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट प्रॉपरली डिवाइड हो जाए बाई 8, देन दैट इज, दैट नंबर इज डिवाइजेबल बाई 8। ठीक है, तो नाउ अगर हम एक की बात करें, 176 डिवाइडेड बाई 8 8 2 16, माइनस किया 16 8 2 16, तो ये तो डिवाइजेबल है। ठीक है, तो दिस इज नॉट, हमें तो नॉट वाला फाइंड आउट करना है ना। नाउ अब हमारे क्या है, 764 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 8 9 72, हाउ मच रिमाइंडर, 4 4, तो 44 तो आता नहीं है, 8 5 क्या होगा 40 और बचेगा क्या 5 रिमाइंडर, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। स्टिल आप पीछे वालों को वेरीफाई कर सकते हो, 64 8 इजिली डिवाइडेड है, ये भी इजिली डिवाइडेड है। ठीक है, तो 8